నమస్కారం. నవతరానికి నాంది నవ్య కార్యక్రమానికి స్వాగతం. బిడ్డలకు తల్లిదండ్రులు ఇచ్చే అసలైన ఆస్తి వారి ఆరోగ్యమే. అవునండి, ఎప్పుడైతే తల్లిదండ్రులకు మంచి ఆహారపు అలవాట్లు, మంచి నడవడి ఉంటుందో అప్పుడే వారి బిడ్డలకు అంతర్గత బాహ్య ఆరోగ్యం సక్రమంగా ఉంటుంది. ఇక మన ఆరోగ్యానికే కాదు, ముఖ్యంగా కళ్లకు ఎంతో మేలు చేసే క్యారెట్స్ చర్మ సౌందర్యానికి కూడా బాగా ఉపయోగపడతాయి. క్యారెట్స్తో ఫేస్ ప్యాక్స్ ఇంట్లోనే తయారు చేసుకుని అందాన్ని ఇనుమడింప చేసుకోవచ్చు. మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకునే ముందు డిజైనరీ కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడు చూద్దాం. మై నేమ్ ఈజ్ రష్మి సింగ్. I am basically from Bihar. Now I am showing some art of quilling. For quilling art, we need a stripes of paper like this. This is a quilling tool. Using this tool, I roll the paper. This is the main thing for the quilling. This is the 5mm stripes. This is the roll paper. Now I loose this paper little bit. Now I press this from both the ends. And now I paste this the last end with glue. I need this three shapes, three designs for the same shape. Now the three pieces are finished. अब मैं इसे तीनों को एक दूसरे से पेस्ट करूंगी. Now I roll with the same color. ये मैंने इसके ऊपर रोल कर दिया और अब ये कि फ्लावर पेटल के रूप में हो गया. इसका सेम पीसेज हमें 6 पेटल्स चाहिए रहते हैं, जो सेम डिज़ाइन हम कर सकते हैं सेम टाइप में. ये मैंने एक डिज़ाइन किया है, मेरे पास आई ऑलरेडी डिज़ाइन द 5. सो नाउ आई एम मेकिंग द फ्लावर, वन गुड फ्लावर यूजिंग दिस पेटल्स. मैंने ये सारे पेटल्स को पेस्ट कर लिया. इसको सूखने में थोड़ा टाइम लगता है, सो लेट इट बी. उसके लिए इसमें बीच में एक होल है, जिस जो गैप है उसे हमें फिल करने के लिए एक और क्विलिंग हम यूज़ करेंगे स्ट्राइप्स, और सिर्फ उसे रोल करके उसमें पेस्ट कर देंगे. आई यूज़ द डिफरेंट कलर फॉर द रोल. जब तक वो सूख रहा है तब तक हम एक दूसरा पेटल बना लेंगे डिफरेंट कलर के. इसे मैं रोल कर रही हूँ एक डिफरेंट कलर से, क्योंकि वो ये फ्लावर पिंक वाला फ्लावर हमने थोड़ा बड़ा साइज़ बनाया, अब इसे एक हम छोटा साइज़ बनाएंगे, ताकि कार्ड्स के लिए हमें 2-3 फ्लावर्स चाहिए रहते हैं कोई भी कार्ड्स को डिज़ाइन करने के लिए, तो जिसके लिए हम डिफरेंट डिफरेंट कलर्स और डिज़ाइंस यूज़ कर सकते हैं. उसमें क्विलिंग टूल्स, कॉम्ब टूल्स, हम लोग किसी से भी डिज़ाइन कर सकते हैं फ्लावर्स को. इसको भी मैंने लूज कर दिया और प्रेस कर दिया बोथ द एंड्स. इस टाइप के हम 3 बना लेंगे और सबको फिर एक साथ पेस्ट करके उसके ऊपर से एक रोल कर देंगे, जिससे हमारा एक 6 पेटल का फिर फ्लावर एक रेडी हो जाएगा. इसे हम पेपर पे पेस्ट नहीं करेंगे, पहले हम इसे गम इसके साइड में देंगे, ताकि एक दूसरे पेटल से ये पेस्ट हो जाए. पहले
हमारा पहले वाला फ्लावर रेडी हो गया है। ये फ्लावर को हम थोड़ा सूखने देते हैं। तब तक इसका मैंने तीन कलर के मैंने फ्लावर्स छः छः पेटल्स के बनाए हैं। अब मैं इस सारे फ्लावर्स को यूज़ करके एक कार्ड डिज़ाइन करती हूँ। मैं हार्ट शीट यूज़ कर रही हूँ इसको। इस हार्ट शीट के डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं, ब्लू, वाइट, एनी कलर, जो हम जैसा भी कलर चाहें हम उसको यूज़ करके एक A4 कटिंग करके उस पर हम ये सारे फ्लावर्स को पेस्ट करके एक अच्छा सा डिज़ाइन करें। इस टाइप से हमें कुछ कर्ल्स बनाने हैं। इसके लिए मैंने दो कलर्स की शीट और क्विलिंग पेपर यूज़ किया है। सारे जितने भी हमने शीट्स यूज़ किया है उसके सबके एंड्स को हम पहले पेस्ट कर देंगे, जिससे हमें इजी होगा उस पर शीट पे चिपकाने के लिए। मैंने इसे पेस्ट कर दिया। अब मैं इसे इसके साइड से गम दूंगी ताकि ये शीट पे पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें अलग अलग कलर्स के लीव्स यूज़ कर सकते हैं। लीव्स ज़रूरी नहीं है कि हम ग्रीन कलर से ही लीव बनाए, फ्लावर के कलर कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग हम यूज़ कर सकते हैं। सेम कलर स्ट्राइप मैंने डिफरेंट कलर्स के भी लिए हैं। इस तरह से हम एक स्ट्राइप, दो स्ट्राइप्स, जितने चाहे स्ट्राइप्स देके हम कर्ल कर सकते हैं, जिससे वो और उसका लुक अच्छा दिखेगा। इसी तरह मैं इसमें भी लीव्स यूज करूंगी। ये मैंने सारे फ्लावर्स को पेस्ट करके एक मैंने छोटा सा कार्ड बना लिया। इसे हम किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, किसी के कोई अगर चाहे तो ऑर्डर ले सकता है। हम कुछ भी इसे कर सकते हैं। इसमें हम अलग अलग फ्लावर्स बना सकते हैं और गिफ्टिंग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। चूसर कदा अंदमैन डिजाइनरी कॉन्सेप्ट। ఇక బౌల్లో క్యారెట్ జ్యూస్, ఎగ్ వైట్ను ఒక టేబుల్ స్పూన్ చొప్పున తీసుకోవాలి. అందులోకి ఒక స్పూన్ ఆలివ్ ఆయిల్ వేసి టేబుల్ స్పూన్ పెరుగు కలపాలి. అన్నీ బాగా మిక్స్ చేసి ఆ మిశ్రమాన్ని ముఖంతో పాటు మెడకు అప్లై చేయాలి. 20 నిమిషాల తర్వాత ఫేస్ ప్యాక్ను గోరువెచ్చని నీటితో కడిగేయాలి. ఇలా చేయటం వల్ల చర్మంపై ఉండే మృతకణాలు తొలగిపోతాయి, ముఖ చర్మం అందంగా కనిపిస్తుంది.